अस्सलाम वालेकुम जूनियर वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ गेट रेडी फॉर द लेक्चर ऑफ मैथ्स एंड आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज मीनिंग रिपीटेड एडिशन। व्हेन वी ऐड सेम नंबर्स ओवर एंड ओवर अगेन, जब हम एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं, सो वी कॉल्ड इट रिपीटेड एडिशन। तो हम उसे रिपीटेड एडिशन का नाम देते हैं। और अगर हमने इसको क्विकर वे में सॉल्व करना हो, अगर हमने इसको जल्दी सॉल्व करना हो, वी यूज़ इट मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक लुक एट द एग्जांपल, 2 + 2 + 2 हैज़ 2 रिपीटेड 4 टाइम्स। इट मींस वी हैव टू ऐड 2 इन 4 टाइम्स। हमने 2 को 4 टाइम्स ऐड किया है। To solve it, we have to change it in a multiplication form, like 4 × 2. I hope you understand it. To start it, we have to solve the exercise 1. In this exercise, we have to color the clouds that show repeated addition. In this exercise, we have to color the clouds that show repeated addition. That means, one number that has been added every time, we have to color it. Like the first, look at the first cloud. In this cloud, we add the 2 in 2 times. हमने 2 times 2 को add किया है. So, it means it's a repeated addition form. ये इसमें repeated addition show हो रहा है. So, we have to color the first cloud. In the second cloud, see here, it's also a repeated addition form. यहाँ पे भी repeated addition use हुआ है. 2 + 2 + 2 + 2. यहाँ पे सेम नंबर को ऐड किया गया है, सो इसका मतलब यहाँ पे भी रिपीटेड एडिशन यूज़ हुआ है। वी हैव टू कलर दिस क्लाउड। इन द थर्ड क्लाउड, हियर इज़ नॉट रिपीटेड एडिशन यूज़। 3 + 2 + 1, यहाँ पे रिपीटेड एडिशन का यूज़ नहीं हुआ। फोर्थ में भी कलर नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी रिपीटेड एडिशन नहीं है। फिफ्थ में भी नहीं कलर करेंगे, क्योंकि ये भी रिपीटेड एडिशन नहीं है। लुक एट द लास्ट क्लाउड, 2 + 2 + 2, यहाँ पे भी रिपीटेड एडिशन यूज़ हुआ है। सो वी हैव टू कलर द फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट क्लाउड्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ गो फॉर दिस एक्सरसाइज 2। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू कंप्लीट द पैटर्न टिल 20। हमने 20 तक पैटर्न को कंप्लीट करना है। सो वी हैव टू यूज़ हेयर द टेबल ऑफ 2। यहाँ पे हम इजीली सॉल्व करने के लिए इसको हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 का टेबल आपको आई होप लर्न हो गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। इन द फर्स्ट टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, and 2 10 20। इस तरह हमने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। 2 का टेबल भी लर्न हो जाता है इस तरह, और इस ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 3। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू चेंज द मल्टीप्लिकेशन। इस रिपीटेड एडिशन फॉर्म को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करना है। लाइक लुक एट द फर्स्ट, 2 + 2 + 2, इसमें कितनी दफ़ा 2 आया है? काउंट इट, 1, 2 and 3। हेयर इज़ 3 × 2, सो वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 × 2 = 6। इन द सेकेंड, काउंट द 2 हेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हेयर इज 7 2, वी हैव टू ऐड 2 इन 7 टाइम्स। यहाँ पे हमने 2 को 7 टाइम्स ऐड किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नंबर, हाउ मैनी काउंट्स। सबसे पहले आपने वो नंबर लिखना है जितनी दफ़ा काउंट किया है, और सेकंड में आपने वो नंबर लिखना है जो नंबर काउंट किया है। जैसे हमने 7 × 2 को काउंट किया है, तो 7 पहले लिखेंगे, और जिस नंबर को हमने काउंट किया है वो बाद में लिखेंगे। 7 × 2, 7 × 2 = 14। 3 में कितने 2 हैं? काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हेयर इज 9 2, सो वी हैव टू राइट हेयर 9 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। 9 × 2 = 18। नेक्स्ट इज, हेयर इज इन द डी क्वेश्चन सिंगल 2। यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा ही 2 लिखा गया है, सो
1 multiplied by 2. 2 ones are 2. 1, 2, 3, 4. How many 2 is in E part? E part mein kitne 2 hain? 4 times. We have to add 2 in 4 times. So, right here 4 multiplied by 2. 4 twos are 8. In the F part, how many 2? 1, 2. 2 multiplied by 2. 2 twos are 4. In the G part, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It is 10 2, so right here 10 multiplied by 2. 10 2s are 20. 1, 2, 3, 4, 5. So right here 5 multiplied by 2. 5 2s are 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 2s are 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 2s are 12. I hope you understand it. Case pehle aapne काउंट करने हैं, काउंट करके जो नंबर जितनी दफ़ा ये होंगे वो लिख देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद वो नंबर लिखेंगे जिसे काउंट किया गया है। जैसे यहाँ पे 2 को ऐड कर रहे हैं तो 2 हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने बुक लाइट का यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू।